Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizal. Class metric, subject mathematics, chapter name is variation. इस chapter का एक lecture हम पढ़ चुके हैं. Necessary है कि आपने वो lecture जरूर देखा हो. अगर वो lecture नहीं देखा तो पहले जाके वो lecture देखें, फिर आप यहाँ पर continue कर सकेंगे. What we will learn in this lecture? वेरिएशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और उसके सेक्शन बी के सवाल देखेंगे. प्रोपोर्शन कौन क्या क्या होते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, उसकी भी एग्जांपल्स करेंगे और सेक्शन बी के सवाल देखेंगे या एमसीक्यूज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वेरिएशन होता क्या है? अ वेरिएशन इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल्स. यानी एक वेरिएबल का दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के साथ दूसरे वेरिएबल्स का वेरिएशन या रिलेशन को हम बेसिकली वेरिएशन कहते हैं. क्या कह रहे हैं, वापस सुने, एक सेट ऑफ वैल्यूज के वेरिएबल को दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के वेरिएबल के साथ जो रिलेशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इन अ वेरिएशन इफ वेरिएबल चेंजेस प्रोपोर्शनली. यानी कि पहले दो वैल्यूज हैं ए और बी, अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़े, ए की वैल्यू कम हो रही है तो बी की वैल्यू भी कम हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. और इसी का इनवर्स हो जाए अगर, या मतलब यानी अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है और बी की वैल्यू कम हो जाए, या बी की वैल्यू बढ़ रही है तो ए की वैल्यू कम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. यानी सेम बढ़ेंगी सेम कम होंगी तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट, और अपोजिट में क्या कहलाएगा बच्चों, इनवर्स. इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं. इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 10 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3, आपने ये चीजें मालूम करनी है. चलें कि करके मालूम करते हैं. पहले तो जो उसने कहा वो लिख देते हैं, वाई वेरीज डायरेक्टली, यानी हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाया और क्या कर दिया, एक्स कर दिया. अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोपोर्शन का साइन हटाएं, तो आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट का के लगता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता हूँ. ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमें वैल्यूज दी हुई सवाल में देखें, वाई की वैल्यू 10 दी हुई है, एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, तो हम पुट करते हैं, वाई की जगह हमने 10 पुट किया, के अपनी जगह, एक्स की जगह क्या पुट किया, 3, के की वैल्यू निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो आपके पास 10/3 के की वैल्यू आ गई. अब पहले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बताते हैं बस, यानी के y इज इक्वल टू के एक्स रखा था आपने इक्वेशन वन में, k की जगह मैं क्या रख दूंगा, 10/3x, ये आपको पहले का आंसर मिल गया. दूसरे में क्या कह रहा है वो, दूसरे में वो आपसे कह रहा है y when x इज इक्वल टू 6, अब आपने y की वैल्यू निकाली है जब x कितना हो, 6 हो आपके पास, तो चले y इज इक्वल टू 10/3, x की वैल्यू देखें आपको सवाल में दी हुई कितनी दी हुई है पार्ट टू में, 6. अब कैंसिलेशन करके देखें, यानी के 10 अपनी जगह पे 3 1 3 2, तो 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20. अब तीसरे की जब वो बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू निकालें जब y 15 है, तो इसी इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, क्या है ये, y इज इक्वल टू, एक दफा आपकी आसानी के लिए लिख देते हैं, y की वैल्यू आपको कितनी दी हुई सवाल में, 15, 10/3 x अपनी जगह पे, 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कितना बन रहा है बेटा, 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 3 5 2, तो कितना बनेगा, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया एक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम वैसे ही सवाल है, वैल्यू जरा सी चेंज हो गई है, तो चलें इसको भी करने की कोशिश करते हैं. लिखा हुआ है एफ प्रोपोर्शन है 1/r² के, यानी इसको आसान लफ्जों में अगर कहूँ ना तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो के लगता है कांस्टेंट का, लगा दिया, इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया, हमें एफ की वैल्यू भी दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी हुई है, पुट करते हैं, एफ की जगह हम पुट करते हैं 18, के अपनी जगह पे 1/r की जगह क्या आ जाएगा, 2, r पे स्क्वायर था तो उस पर भी स्क्वायर आ जाएगा,
18 इज इक्वल्स टू के 1 अपॉन बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, के की वैल्यू चाहिए, 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब हम 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। क्या आपको के मिल गया? अब हमें क्या करना है, के जब मिल जाता है तो इसको इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं ताकि आपकी एक बेसिक इक्वेशन बन जाए, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू के की जगह क्या रख देंगे बेटा 72 और 1 अपॉन r² ये अपनी जगह पे, ये आपकी एक बेसिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, पहले मैं कह रहे हैं कि f मालूम करें जब r5 है, चले मालूम करते हैं, f मालूम करना है r की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5² अपनी जगह पे, सो f इज इक्वल्स टू 72 अपनी जगह पे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्या 72 और 25 एक टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता, तो 72 वन 72 और 25 अगर कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, राइट। इसी मेथड पे अगर मैं पार्ट टू की बात करूं तो अब आर मालूम करना है और एफ मालूम है, यानी कि जो आपकी इक्वेशन थी ना एफ इज इक्वल्स टू 72 1 अपॉन r², उसमें एफ की जगह क्या रख देंगे 24, 72 अपनी जगह पे और आपको मालूम क्या करना है r², 70 r² डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा r² और 24 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड कर देंगे, दोनों कैंसिलेशन हो रही है दोनों में, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 12 और 2 3 6 4 फिर कैंसिल हो रहा है, 2 6 और 2 1 2 1 कैरी 2 7 राइट। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है, स्क्वायर खत्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक सेकेंड, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, सही कर लेते हैं, 36 को भी डिवाइड करेंगे तो दैट इज 8, 18 फिर कैंसिल हो रहा है, 18 6 1 और 6 3 था, तो बेसिकली जो हमारे पास आर स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा वो कितना आ गया 3। अब मुझे स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों तरफ रूट अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर इज इक्वल्स टू √3, जाहिर 3 का तो कोई रूट नहीं होता तो बस फिर यही हमारा आंसर, अगर ये 9 होता तो हम इसका रूट मालूम करते, यानी अगर रूट आ रहा होता तो जरूर मालूम करते, रूट नहीं आ रहा तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। सेक्शन बी में कैसा सवाल आ सकता है, इसी तरह का सवाल आ सकता है कि आपको कुछ वैल्यूज ने, यानी कि जैसे लिखा हुआ है आपको पहले से लिख के दे दिया कि यू प्रोपोर्शन है किसके बेटा क्यूब रूट के वी के, तो पहले हम क्या करते हैं यू लिखते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और क्यूब रूट का मतलब क्यूब रूट भी अपनी जगह पे, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब आपको यू की वैल्यू दी हुई है वी की वैल्यू दी हुई है, तो पहले तो के निकाल लेते हैं, यू की जगह क्या आ जाएगा 4 k अपनी जगह पे और क्यूब रूट ऑफ वी, यानी वी की जगह क्या आ जाएगा 64। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मैट्रिक में अलाउड है तो जरा उसकी आदत डालिएगा, 64 का क्यूब रूट जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। वैसे भी आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 है, तो 4 4 16, 16 4 64। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपको बेटा के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। जब के मिल जाता है तो आधा सवाल तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, इसको जरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, यू इज इक्वल्स टू के है, के की जगह आप क्या रख देंगे 1 क्यूब रूट ऑफ v। अब कह रहा फाइंड दी वैल्यू ऑफ यू जब v इतना है, यानी आपको यू मालूम करना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यूब रूट ऑफ वी कितना दिया हुआ है आपको 216, तो 216 का क्यूब रूट निकालेंगे, किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 216 आता है, दैट इज 6, ये आपका रिजल्ट। अच्छा दूसरा भी कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी जब यू आपके पास 5 है, तो चलें इसी इक्वेशन में वापस पुट करते हैं, क्या थी इक्वेशन, यू इज इक्वल्स टू, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यू हमें दिया हुआ है 5 और क्यूब रूट ऑफ वी हमें मालूम करना है, एक तरफ से क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ से क्यूबिंग करनी पड़ेगी, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पावर कितनी है, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पावर 1/3 है ना, तो बेटा जब एक तरफ से पावर खत्म करनी होती है तो सामने उस पावर का रेसिप्रोकल लगता है, यानी यहाँ 1/3 है तो सामने क्या लग जाएगी 3, यहाँ 1/5 होती है तो सामने क्या लग जाती है 5, यानी रेसिप्रोकल लगाया जाता है पावर का,
अब 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 5 25, 25 5 125, ये आपके पास भी आ गया सिंपल। होपफुली ये वाला टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं सेक्शन बी, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज ए स्क्वायर ऑफ वाई। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ एक्स यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स का यही मतलब होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज यानी प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ वाई, तो वाई का स्क्वायर। अब हमें पहले तो वही काम कर लेते शुरू में कर रहे थे कि क्यूब रूट ऑफ एक्स प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो के लगेगा, इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। वैल्यूज आपको पहले से दी हुई है कि एक्स 8 है और वाई 3 है, तो एक्स की जगह हम बेटा क्या रख देते हैं 8 और वाई की जगह क्या रख देते हैं 3। 8 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, यानी 8 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 2, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। के की वैल्यू चाहिए तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो आपको के मिल गया। अब मालूम क्या करना है, पहले तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसको पुट करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के की जगह रख देंगे 2/9, ठीक है, और वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। अब वो कह रहा है एक्स मालूम करें जब वाई दिया हुआ 3/2। चलें इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 2/9 और y की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 का स्क्वायर। अभी कैंसिल मत करिएगा, पहले स्क्वायर सॉल्व होगा, तो 3x ये अपनी जगह पे, 2/9 अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब कैंसिल कर सकते हैं, जब तक स्क्वायरिंग नहीं की थी ब्रैकेट ओपन नहीं किया था कैंसिल नहीं कर सकते थे, अब कैंसिल कर दे, 9 से 9 कैंसिल, 2 1 और 2 2 जा, तो हमारे पास एक्स की पावर कितनी बच गई 1/3 ना, क्यूब रूट हटाएंगे 1/3 और सामने क्या बचा हुआ है 1/2। मैंने आपको बताया था अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो पावर खत्म करनी पड़ेगी, अगर पावर को सामने की साइड पे भेजा जाएगा तो पावर का रेसिप्रोकल लगता है, यहाँ पावर कितनी दी 1/3 ना, तो वहां कितनी लग जाएगी सिर्फ 3, तो 1 की पावर 3 1 ही होता है और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 8 आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट है। गॉट इट। चल अगले टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ असाइनमेंट में दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर भी मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये बनना चाहिए। इसमें एक चीज बस समझ लें, फोर्स बिटवीन एफ टू बॉडीज, ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए बना भी दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हो गया डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/2, अगर वो डायरेक्टली कहता है तो हम क्या लिखते हैं एफ प्रोपोर्शन टू डी स्क्वायर, इनवर्सली कह रहा है तो क्या कर देंगे 1/d2। बस ये बात समझानी थी, इसी मेथड में जिसमें हमने ये 4 सवाल सॉल्व किए इस पे आप करेंगे और आपका आंसर ये आना चाहिए। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि दो रेशियोज को जब बराबर रखा जाता है तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, ये चीज हमने पूरी पहले में पढ़ी थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि दो रेशोज को हमने बराबर रखा उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है, पहली और लास्ट वैल्यू को क्या कहते हैं बच्चों ए और डी को एक्सट्रीम कहा जाता है, और बीच में दो जो वैल्यूज होती है उनको क्या कहा जाता है मीन कहा जाता है, याद रखनी ये बात। फॉर्मूला क्या होता है, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शन के। थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको मालूम करना है, आपको 3 वैल्यूज दी होंगी, तो जो मालूम करना है वो आप एक्स 3 पे रखोगे, यानी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, थर्ड पे आप एक्स रखोगे। अगर आपको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें तो आप क्या करेंगे, आपको फिर से 3 वैल्यूज दी होंगी, लेकिन आप किस तरह रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर एक्स रखेंगे। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड एक्स और फिर थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर एक्स। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में 2 वैल्यूज दी हुई होती है, तो क्या करते हैं ए अपॉन एक्स, एक्स अपॉन बी, यानी कि पहली और लास्ट वैल्यू रखी जाती है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सबको लाइन से रख दिया जाता है, ए बी बी सी, 3 वैल्यूज है, अगर तो 4 है तो ए बी सी डी सिंपल बनेगा, 3 वैल्यूज है तो क्या करेंगे बेटा ए अपॉन बी और फिर बी रिपीट होगा बी अपॉन सी। प्रैक्टिकली करते हैं जरा समझ में आएगी बात। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर अवेलेबल। तो थर्ड मालूम है, फॉर्मूला हम देख चुके हैं, अगर थर्ड मालूम है, सॉरी थर्ड मालूम करनी है, बाकी की 3 हमें दी हुई है, तो जरा रखते हैं इसको। क्या बताया मैंने, पहली वैल्यू रखी, दूसरी रखी, फिर थर्ड पे एक्स आ गया और फिर 54 आ गया।
सिक्स वन जा सिक्स थ्री जा, 54 डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 54 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 54 को एक्स से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आंसर बनेगा, 54 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 18। तो सिंपली आपके पास एक्स का आंसर आ गया 18। क्या बताया जरा वापस सुने, पहली वैल्यू लिखी ठीक है, बात कर रहा हूँ दूसरे की, ये हमारा पहला था, पहली वैल्यू लिखी है आपने पहले, उसके डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, दूसरी वैल्यू, क्या है दूसरी वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, पहली वैल्यू लिखी, दूसरी वैल्यू लिखी इज इक्वल टू, तीसरी मालूम करनी है तो वहां एक्स आ जाएगा, और चौथी लिखी ठीक है। आप सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होल डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास, ए माइनस बी, देखिए आपको नजर आ रहा होगा कुछ कैंसिलेशन भी हो रही है इसमें, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ये कंप्लीट इस कंप्लीट से कैंसिल, ये ए प्लस बी से कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा वन, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स, यानी थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वैल्यू पता होती है, थर्ड पे आप एक्स रख देते, अब क्या मालूम करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है, तो शुरू की तीन वैल्यूज मालूम होंगी, चौथे पे एक्स को रखेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मालूम है, चौथे पे एक्स पे रख देंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 2 आ जाएगा, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स और ये जो 2 है वहां से यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका पार्ट 2 देख लें, तो ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस का 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए माइनस 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड वैल्यू हो गई, अब थर्ड वैल्यू आ जाएगी 2 ए क्यूब माइनस का 12 ए स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय चौथी वैल्यू में एक्स रख देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 12 6 2 12 बिल्कुल, देखिए मिडिल टर्म ब्रेक हमने बहुत पढ़ी है आपने पिछले 9th क्लास में, कैसे कैसे करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे की जाती है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 बने और प्लस माइनस करने पर क्या बने 8 बने, तो 12 किसके टेबल में आएगा, 6 2 12 हो जाएगा, आपको -8 चाहिए दोनों के साथ माइनस लगा दें, ऐसे ही बनती है ना मिडिल टर्म ब्रेक, नीचे ए माइनस टू अपनी जगह पे कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2 ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2 ए स्क्वायर जाएगा तो ए के बचेगा, 2 चला जाएगा तो 2 6 12 होता है, स्क्वायर चला गया तो सिर्फ 6 ही बचेगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, जब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है तो दो दो करके कॉमन लिया जाता है, तो ए में से और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर और 6 ए में से ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए माइनस 6, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए माइनस 6, क्योंकि जाहिर सी बात है माइनस बाहर आ गई ना, तो ये प्लस की साइन क्या बन जाएगी, चेंज हो जाएगी, अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है अगर बाहर माइनस आ गया, तो ये ए माइनस 2 अपनी जगह पे, 2 ए स्क्वायर ए माइनस 6 अपनी जगह पे, अच्छा 2 ब्रैकेट सेम हो गए, तो एक बार ए माइनस 6 लिख देते हैं और एक बार क्या लिख देंगे, ए माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है, ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर ए माइनस 6 अपॉन एक्स, बेटा ए माइनस 2 से ए माइनस 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को वहां भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, यहाँ ए माइनस 6 बचा था ना वहां भेजा हमने, तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस 6 कैंसिल, तो बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 ए स्क्वायर, यानी प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाने के बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है जो बचपन से करते आ रहे हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन के फॉर्मूले मैंने आपको क्या बताया, दो वैल्यूज दी हुई होंगी,
और आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट और लास्ट पे रखोगे, मीन है ना, यानी के फर्स्ट पे और लास्ट पे आप ये वैल्यूज रखेंगे जो आपको वैल्यूज दी हुई है। बड़ा आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 8 से मालूम करना पड़ेगा आपको क्या होता है, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो आंसर आएगा 144। 144 बेटा, एक्स को भी वहां भेज दोगे तो एक्स वहां जाके मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल, यहां तो एक्स बच गया, वहां क्या बच गया, 144 का रूट क्या होता है, 12। ओके, सेम मेथड पे पार्ट टू, पहली वैल्यू फिर एक्स इज इक्वल्स टू फिर एक्स और लास्ट वैल्यू, क्या है लास्ट वैल्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। चलें क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, पहले तो ए क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है क्या, जो यहाँ डिवाइड हो रहा था क्या था वो, ए माइनस बी और क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये एक्स वहां जाके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कंप्लीट ब्रैकेट इस कंप्लीट ब्रैकेट से कैंसिल, एक ए माइनस बी और एक ए माइनस बी मिलके कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट अप्लाई करना पड़ता तो स्क्वायर से रूट कैंसल, बेटा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। गॉट इट, जरा रिपीट करें जल्दी से जो तुमने पढ़ा, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, पहली दूसरी चौथी वैल्यू पता होगी, थर्ड पे एक्स रखेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, पहली दूसरी तीसरी वैल्यू पता होगी, चौथे पे एक्स रखेंगे, मीन प्रोपोर्शन में क्या होगा, पहली और लास्ट वैल्यू पता होगी, दूसरे तीसरे पे एक्स रखेंगे, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बताया मैंने, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सेकेंड वैल्यू को रिपीट किया जाता है, यानी आप कैसे लिखते हैं, पहले को 45 अपॉन एक्स, ये जो सेकेंड वैल्यू है ना ये रिपीट होती है, एक्स अपॉन 5, क्या कह रहा हूं मैं, वापस रिपीट कर अपनी बात को, क्या कह रहा हूं, 7 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 अपॉन 112, तो जो सेकंड वैल्यू थी वो रिपीट हुई। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को क्या करेंगे बेटा, 5 को 45 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 225, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स का मतलब स्क्वायर खत्म करना है तो रूट निकालना पड़ेगा, तो 225 पर भी रूट आ जाएगा और एक्स पर भी रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पर भी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 225 का रूट कितना होता है बच्चों, 15। सिंपल है आंसर। इसी तरीके से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 112 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से, आंसर आएगा 784। 784 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो चले मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 784 तो अपनी जगह पर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। अब किसकी बारी, ये चले सिंपल ना करें, दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं, इस तरह भी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन करके भी, लेकिन मुझे एक और इसका आसान तरीका समझ में आ गया कि मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे, तो 784 पर भी रूट आएगा और एक्स माइनस थ्री के स्क्वायर पर भी क्या आ जाएगा, रूट, स्क्वायर से रूट तो कैंसल, 784 का रूट मालूम करना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे कि जी 784 का रूट क्या होता है, दैट इज 28। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 28, और यहाँ क्या बच गया, एक्स माइनस थ्री, तो बड़ा आसान हो गया, तो माइनस थ्री को वहां भेजते हैं, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस थ्री, तो दोनों मिलके हमारे पास होगा 31, दैट इज योर आंसर। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि मल्टीप्लाई करते फिर उसको सॉल्व करते, तो वो भी तरीका था। एमसीक्यूज करते हैं इसके, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड, बी
रिपीट होता है ना बेटा, ये नहीं क्या बनता है, ये बनता है ए अपॉन बी कंटिन्यूड में बी अपॉन सी। तो देखा जाए तो ये मीन प्रोपोर्शन बना या एक्सट्रीम बना, कौन सा बना? ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, देन बी इज कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी फर्स्ट और लास्ट हमारे पास कौन सा होता है, एक्सट्रीम, और मिड वाले मीन होते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा मीन। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे? ए स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स अपॉन बी स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा? बनेगा ये कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स एक्स मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगाएंगे तो इसका भी रूट कैंसिल होगा, इनके भी रूट कैंसिल होंगे, आंसर क्या बनेगा? ए बी, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, तो इनको तो डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इफ 2x, इन तीनों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या बनता है? 2x अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 6z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12 xz इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 9y2। इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है वो, ये रहा 9y2 इज इक्वल्स टू 12xz। तो क्योंकि एमसीक्यूज के सवाल है तो थोड़ी डायरेक्ट करने पड़ते हैं, और होपफुली ये बात फिर समझ में आ गई होगी, सारा टॉपिक क्लियर होगा। एक दफा फिर वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप क्या प्रैक्टिस भी कर सकें, जो असाइनमेंट दिए उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।